2024 में 139 दिन इन राशियों के लिए रहेंगे भारी, बचकर रहिएगा जरा, परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी। दोस्तों, नया साल शुरू होने के साथ ही शनिदेव का प्रभाव इन राशियों पर पड़ने जा रहा है। 2024 में 139 दिन ऐसे रहेंगे जब शनिदेव मार्गी होकर कुंभ राशि में चल रहे हैं, जिसका असर कुछ राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव कभी शुभ होता है तो कभी अशुभ होता है। लेकिन इन तीन राशियों के लिए सावधान रहने वाला शनिदेव का प्रभाव रहेगा, मतलब कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बने, कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। इसीलिए अगर आप पहले से ही जान लोगे कि आपकी राशि में शनिदेव का प्रभाव कैसा है, तो आप सावधान रहोगे पहले से ही और आपको नुकसान कम होगा, समस्याएं नहीं आएगी। आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों, वो चारों ही राशियां कौन सी हैं जिन राशियों को थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा शनि के प्रभाव से। नंबर एक, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी के प्रभाव के चलते आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों से सद्भाव तो रहेगा, परंतु कार्यभार में बढ़ोतरी हो सकती है, फलस्वरूप आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपका रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े कार्यों के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन के रखरखाव पर आपका खर्च बढ़ेगा, वाहन चलाते समय भी सावधान रहें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंत में शनिदेव के प्रभाव से बचने के कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें करके आप शनि की साढ़े साथी से अशुभ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और इस वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय शनिश्चराय नमः जरूर लिख दीजिएगा। चलिए राशि नंबर दो आती है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कारोबार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से आपको कारोबार में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। रहन सहन आपका अव्यवस्थित हो सकता है, धैर्यशीलता आपको बनाए रखनी पड़ेगी, हर कहीं जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जैसे कहीं बड़ा निवेश कर रहे हो या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो, तो जल्दबाजी में शुरू ना करें, आप उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों की मदद लें, राय मशवरा लें, उसके बाद ही किसी बड़ी जगह पर निवेश करें। शैक्षिक कार्यों के लिए आप यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा पर जाते समय सावधान रहना होगा आपको, ताकि यात्रा आपकी सुखद और फलदायी रहे। चलिए अगली राशि आती है, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का मन परेशान हो सकता है, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें, आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा करें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी जिसकी बदौलत आपके माँ बाप के स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी। वाहन के रखरखाव पर आपका खर्च बढ़ेगा, नौकरी के सिलसिले में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, आपका रहन सहन अव्यवस्थित होगा, तो खान पान का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें, वरना आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगली राशि आती है, मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, मार्च के बाद कारोबार में ध्यान दें तो आपको लाभ मिलेगा, थोड़ी कुछ कठिनाइयां आएगी, लेकिन शनिदेव के जो ज्योतिषीय उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उन्हें करके आप उन सभी कठिनाइयों से निजात पा सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें, वरना परिवार के आपके लोगों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए आप शांति बनाए रखें, धैर्यशीलता से काम लें, परिजनों के साथ 3-5 लड़ाई झगड़ा ना करें। घर के रखरखाव और साथ सज्जा के कार्यों पर आपका खर्च बढ़ेगा, तो खर्चों पर भी नियंत्रण करें, वरना बढ़ते खर्चों के चलते आपकी आमदनी कम हो सकती है और आपके पास पैसों की कमी आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब आपको अगर लग रहा है कि कभी आपके जीवन में साल 2024 में गलत समय चल रहा, इन चारों राशियों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपका साल 2024 में खराब समय चल रहा हो, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याओं का आप सामना कर रहे हो, तो शनिदेव से जुड़े ये कुछ उपाय अचूक टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करके आप अपनी कुंडली के कमजोर शनि के लक्षणों को मजबूत कर सकते हैं और शनिदेव के दुष्प्रभावों के बजाय और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, तो फिर व्यक्तियों के जीवन में धन और संपत्ति धीरे धीरे अनावश्यक खर्चों में लगने लगती है। घर परिवार में मिलने वालों में अक्सर वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। शनि की वजह से शराब, जुआ, इस तरह की गंदी आदतें भी लगने का कारण बनती है। जातक की कुंडली में अगर शनि दोष हो, तो शारीरिक कमजोरी आती है, आंख कान से जुड़ी कोई समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे में शनि ग्रह को मजबूत करने के उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक शनि अमावस्या पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाने, तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़े साथी या ढैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। हर शनिवार के दिन एक लोहे के कटोरे में साबुत, उड़द, काले चने और सरसों का तेल मिलाकर एक साथ डाल दें। अब इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने माथे से लगाकर इसे दान देना शुरू करें, इससे भी शनि दोष कम होता है। दान नहीं दे सकते तो आप इस मिश्रण को, चाहे थोड़ा सा ही बना लें, इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल दें। शनिवार के दिन शनिदेव के दिव्य मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें शनिवार के दिन 11 बार 21 बार जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से, क्योंकि शनिदेव के आराध्य देव भगवान शिव है। इसलिए शनिदोष की शांति के लिए शनिवार के साथ साथ आप सोमवार को भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शिव अभिषेक करना चाहिए, ठीक है। और बाकी शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। हमारी
यही प्रार्थना है, नव वर्ष आपके लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की लेकर आए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नए साल की बधाई। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर आपके प्रोफाइल पर कमेंट करके बताइए और किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।